कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने शहडोल के व्यवहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की बात फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराने का ही होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। इससे पहले वो 30 सितंबर को शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। विंध्य क्षेत्र की 30 विधानसभा सीटों में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शानदार नहीं रहा था। 30 में से सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस के खाते में पड़ी थी। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, यह उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। अडवाणी जी ने